हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटे, आज हम क्लास फिफ्थ की जो हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा है, कठिन परीक्षा 1, उसके मैंने आपको वर्ड मीनिंग करवाए थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उनको साथ साथ याद भी कर लिया होगा। और कल मैंने आपको ये करवाए थे, इन शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए, ये वाले है ना। और ये भी मैंने करवाए थे क्रिया वाले, क्रिया किसे कहते हैं और ये क्रिया पर सर्कल लगाइए, ये मैंने आपको कल कराए थे भाषा बोध के। और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर आज करेंगे, कुछ कल करेंगे। अभी इसकी एक्सरसाइज चल रही है लेसन 4 की, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम मैं करवा रही हूँ, आप साथ साथ करें, उसको साथ साथ लर्न करें। एक बार पूरा काम आप रिटर्न में करें, कोई भी बच्चा ये ना सोचिए, जैसे ये मान लो आपके पास बुक है तो बुक में ही इनको फिल कर दें, नोटबुक में आप लिखें और फिर आप लर्न करें। और जिन बच्चों के पास नोटबुक नहीं है वो इस तरीके से वीडियो को पॉज करें और फिर वर्क करें, ठीक है बेटी। और किसी भी बच्चे के सामने कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई वीडियो समझ नहीं आती है या कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैं अपना फ़ोन नंबर आपको बता चुकी हूँ, आप प्लीज़ मेरे पास कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आज हम करेंगे बेटे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कठिन परीक्षा 1 उसकी कहानी आपने 5 पांडव भाइयों की थी, वो वनवास के में समय बिता रही थी, वो तो आपने सुनी ही है। तो उसमें भी मिस क्वेश्चन आंसर देखिए, इसमें 5 पांडव वन में क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, वो वनवास का समय बिता रही थी। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटी, वनवास का समय बिता रही थी, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा था, उसको उसने कहा था जल का पता लगाओ कि आसपास कहीं जल है या नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, जल का पता लगाने के लिए कहा। तो युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा, जल का पता लगाने के लिए कहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, नकुल ने किस प्रकार थोड़ी दूरी पर जल होने का अनुमान लगाया। नकुल ने कैसे अनुमान लगा लिया कि थोड़ी दूरी पर जल है, जल पक्षी और जल में उगने वाली वनस्पति को देखकर। उसने जल पक्षी देखे और थोड़ी दूरी पर जल में उगने वाली वनस्पति को देखकर जल के होने का अनुमान लगा लिया, ठीक है। उसके बाद है, नकुल को चेतावनी भरे स्वर में क्या सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया था नकुल को चेतावनी भरे स्वर में, रुक जाओ माद्री पुत्र, यह सरोवर मेरा है, यही सुना था ना उसने, जब वो पानी अपनी अंजलि उसने पानी पीने के लिए डुबोई जैसे ही तालाब में, तो उसको यही स्वर सुनाई दिया था ना, रुक जाओ माद्री पुत्र, यह सरोवर मेरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, युधिष्ठिर के अन्य भाइयों के साथ क्या घटना घटी थी, युधिष्ठिर के अन्य भाई मूर्छित हो गए, यही घटना घटी थी ना, युधिष्ठिर के अन्य भाई मूर्छित हो गए। तो ये मैंने आज आपको बेटे 5 क्वेश्चन करवाए हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आप लर्न भी करेंगे, लिखेंगे भी नोटबुक में और लर्न भी करेंगे। इस तरीके से वीडियो को पॉज करके आप ऐसे ये क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली देख लें, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके और फिर आप लिखेंगे और इनको लर्न भी करेंगे। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई वीडियो समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें और अपने डाउट को क्लियर करें, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करके इस प्रकार से फिर आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ओके बेटा। कल मैं और बाकी के क्वेश्चन बचे हुए करवाऊंगी, थोड़ा थोड़ा काम करवाएंगे ताकि आप साथ साथ लिखें, अपनी कॉपियां मेंटेन करें और साथ साथ लर्न करें बेटे, समझें उस चीज़ को, रट्टा नहीं लगाना है, उसको समझना है, ठीक है बेटा। और जिनके बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक्स में से अपनी हेल्प लें, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो वीडियो को इस तरीके से पॉज करके और अपना वर्क प्रॉपर रखें बेटे, ठीक है। स्टोरी को ध्यान से सुने, हर चीज़ को ध्यान से सुने, मैडम क्या बोल रही है, ठीक है, और फिर इस तरीके से अपने वर्क को प्रॉपरली करें। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।